खबर रांची से है, जहां रेप के बाद एक लड़की की बेरहमी से हत्या पर बवाल बढ़ गया है। रांची के पास जंगल में इस लड़की का शव बरामद किया गया। आपको बता दें कि सर नहीं था उसमें, जिसके बाद रांची में जोरदार प्रदर्शन होने लगा। कल प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सीएम के काफिले को भी रोक दिया, पुलिस पर हमला भी कर दिया। सोमवार शाम को रांची के किशोरगंज इलाके में जमकर हंगामा हुआ। भीड़ ने सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को घेर लिया। काफिले को एस्कॉर्ट्स कर रहे पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर समेत कई लोग घायल हो गए। लोगों का यह गुस्सा भड़का था दिल दहलाने वाली उस वारदात के बाद, जिसमें एक युवती के साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने लड़की का सिर धड़ से अलग कर जंगल में फेंक दिया था। जैसे ही ये खबर फैली, रांची में लोगों ने किशोरगंज इलाके में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन का काफिला जब वहां से गुजरा तो लोगों ने काफिले को रोक दिया। लोग सीएम से मामले में कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भीड़ के गुस्से को देखते हुए सीएम के काफिले को दूसरे रास्ते से निकाला गया। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों ने किशोरगंज चौक पे विधि व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश किया, शांति व्यवस्था को भंग डालने की कोशिश किया, माननीय के कार्यकर्ता को रोकने की कोशिश की गई। साथ ही पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी और कुछ तरीके से पुलिस वालों के साथ भी उन लोगों का हाथापाई के इश्यूज हुए हैं। जो भी लोग थे उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कठोर से कठोर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत साक्ष सहित लोग जो इस घटना में शामिल थे उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रांची से 30 किलोमीटर दूर ओर मांझी पलाश पतरा जंगल से पुलिस को एक युवती का सिर कटा शव मिला था। युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके सिर को धड़ से अलग कर दूसरी जगह फेंक दिया गया था। युवती की उम्र 18 से 22 साल के बीच है, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई है। युवती की पहचान और अपराधियों का सुराग देने वालों को 25,000 के इनाम की घोषणा की गई है। लेकिन इस घटना पर झारखंड की सियासत में उबाल आ गया है। गुस्साई भीड़ ने सीएम का काफिला रोका तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर सीएम के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका।